अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एक सवारी लेकर आए। ये जो सवारी है वो काफी बेस्ट है, इसकी कीमत भी बताएंगे कि ये आपको कितने में मिलेगी और इसकी सारा कुछ इसके बारे में बताते हैं। जिन्होंने इसे तैयार किया है, इसे मॉडिफाइड किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही कम है। ये जो एक रिक्शा नुमा इसे कह लें या जीप कह लें या गाड़ी जो भी आप इसे समझ लें, इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो तकरीबन 40 के लगभग इसकी फ्यूल एवरेज है। और मजदूर के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, मोटरसाइकिल से ये गाड़ी बनी हुई है। और इसके बारे में मजीद जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? हामिद शाह। इधर देख के बात करें और बताएं हमारे नाजरीन को कि ये आपने कैसे कैसे बनाई है। जी, मैं खुद एक्सीडेंट में माजूर हो गया था। अच्छा। उसके बाद जो है ना, मैं हर बंदे का मोहताज था। अच्छा। किसी को कहता मुझे इधर ले जाओ, मुझे इधर ले जाओ, और मुझे इसे मिलना है, मुझे उसे मिलना है। जब ये मैंने तैयार किया तो फिर मेरी माजूरी समझो खत्म हो गई। अच्छा जी। तो फिर मैं जहाँ भी जाना चाहता था इसे बैठ गया। और आप मोटरसाइकिल मैकेनिक? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक। तो ये किस चीज से तैयार किया, ये क्या चीज? ये फोर व्हील मोटरसाइकिल है। अच्छा जी हाँ। ये फोर व्हील ये सलग के लिए जो बनाया हुआ है? बिल्कुल जी, टांगों से जो माजूर है ना। अच्छा। उसके लिए बहुत आसान है। इसमें क्या क्या तब्दीलियां आपने की है इस चीज में? इसमें ये टायरों की तब्दीली की है। अच्छा जी हाँ। ऊपर ये साल बॉडी बनाई है। अच्छा। इसका जो है अंदर सेफ बना हुआ है, दो आदमी साइड पे बैठ सकते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, इसका अगर कोई आदमी लेना चाहता है, कोई अगर खरीदता है, माजूर है जी हाँ, किस किस्म का माजूर बंदा इसे चला पाएगा? जो थोड़ा जिसकी टांगे नहीं ना, हाँ, टांगों से माजूर है, हाँ, वो चला सकता है। अगर उसका कोई माजूर, सब काम जो है ना वो हाथ में है। एक हाथ में है या दोनों में? एक में है तकरीबन। अच्छा। जो है ना सब कुछ एक में है। अच्छा। ऑटोमेटिक है, यानी कि दाया काम, दाया हाथ रेस वाला काम जो है ना। हाँ। रेस वाला हाथ। हाँ। वो काम करे दाया हाथ। इसका ना है किक है, ना गियर है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है। अच्छा, किक और गियर नहीं है? नहीं, ये ऑटोमेटिक है, क्लच भी नहीं है। अच्छा। और इसकी स्पीड कितनी है? जितनी इंसान खुद बर्दाश्त कर सके। अच्छा जी। आपके मन से 40 है, 50 है, 60 है? 60 है जी, बिल्कुल। कितने तक है? तकरीबन 60 से भी ऊपर समझो। अच्छा, लेकिन नॉर्मल मोटरसाइकिल। जी हाँ। अच्छा, हमारे नाजरीन को बताएं जो कि सबसे अहम सवाल होता है वो है फ्यूल का। जी हाँ। पेट्रोल एवरेज इसकी कितनी? बहुत बेहतरीन है। नहीं, बेहतरीन है। मैंने सुबह आधी प्याली डाली है और 3 किलोमीटर से मतलब 40 किलोमीटर करता है, 35 करता है, 50 करता है, 40-45 कर जाता है। अच्छा, 40 किलोमीटर के लगभग ये फ्यूल एवरेज करती है ये गाड़ी। और अगर कोई माजूर है तो वो अगर लेना चाहता है वो इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनका नंबर एंड पे आपको दे देंगे। अच्छा, ये आपकी फरोख्त हो जाती है, बिक जाती है गाड़ी? जी हाँ। अब फिर अगर कोई और ऑर्डर आ जाते, कोई और बनवाना चाहता, फिर भी आप बनाएंगे? वो नीचे वाला लेकर बना देंगे। अच्छा जी हाँ। तो ये आपने जो इस पे खर्चा किया है, इसकी कीमत अभी ना बताएं, आप सिर्फ ये बता दें कि ये जो ऊपर का आपने सिर्फ ऊपर का खर्चा किया है जी हाँ। बॉडी हाँ, ये बॉडी कितने खर्चे में तैयार? ये भी लिया है ना, इसको छोड़ दें, ये बॉडी कितने खर्चे में तैयार हुई है? ये तकरीबन ऊपर की बॉडी जी हाँ 50 से 60 लगा होगा। अच्छा, 50 से 60 हजार इस ऊपर की बॉडी पे लगा। ये शीशा, मजबूत शीशा? जी हाँ, मजबूत शीशा है। अच्छा, बिल्कुल क्लियर नजर आता है सब कुछ। इसकी जो है मैंने जो बनाई है वो तकरीबन भाई 18 गेज की, ये सब चीजें मोटी मोटी लगी हुई हैं। अच्छा, मेरा कैमरा मैन अगर इधर आ जाए, इसका फ्रंट लुक थोड़ा सा दिखा दे। बहुत जबरदस्त फ्रंट लुक है। अब फ्रंट लुक के हवाले से भी आपको बताते हैं और इस पे बात करते हैं। फ्रंट लुक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बारिश हो तो नहीं फिर आती। फिर कैसे? आपने बारिश में चलाया? बिल्कुल जी, बारिश में चलाया है। तो ये पानी फिर उसका क्या सिस्टम? नीचे जाता है। अच्छा, नजर आता है? नजर आता है। अच्छा, क्योंकि गाड़ी में अमूमन धुंध पड़ती है, दूसरा शीशा है ना। अच्छा, इसमें धुंध धुंध नहीं होती। अच्छा जी हाँ, क्योंकि इधर से हवा और अच्छा, यानी बारिश आती भी नजर आता है। इसके साइड में पर्दे, सर्दियों में पर्दे लगा लेते हैं, फिर वो बंद हो जाता है। तो आम नॉर्मल बंदा भी इसे खरीद कर अपनी फैमिली के लिए यूज कर सकता है? फैमिली के लिए यूज। अच्छा, अब बारी आती है इसकी प्राइस की। यकीनन हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं,
वो देख रहे हैं वो यकीनन ये जानना चाहते होंगे कि ये जो गाड़ी है, ये मिनी गाड़ी, ये आपको कितने में मिलेगी। यकीनन इसका जो फोर व्हील बाइक है जो कि माजूर अफराद के लिए होती है, उसकी तो कीमत आपको मालूम होगी कि वो काफी महंगी होती है, तकरीबन 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, इतनी की इतने होती है। नई गाड़ी अगर ले तो 3 लाख के लगभग होगी, अगर ये नीचे वाली बाइक आप सिर्फ इसकी ले फोर व्हील। अब इसकी कीमत की तरफ आते हैं, आप ये जो है सेकंड हैंड यकीनन होगा नीचे वाले, ये आप कितने में देंगे? हमारे कोई अगर आपसे 1.5 लाख का हुआ है, आप कितने में देंगे? बस कुछ रैप कर देंगे, 1.5 लाख में देंगे। 1.5 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसमें मजीद भी अगर आप चाहेंगे तो इसमें कमी बेशी हो जाएगी, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं। आखिर में इनका नंबर आ रहा है, ये जो मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं, उस्ताद हैं शाह साहब, इनका जो नंबर है वो आखिर में हम आपको देंगे। ये गाड़ी आपने देख ली है, उम्मीद है ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। मैं एक मतलब फिर आपको बताता चलूं कि ये एक बाइक है जो फोर व्हील बाइक होती है, माजूर अफराद के लिए तैयार की जाती है, वो अमूमन हर शहर में मिल जाती है। उसको इन्होंने मॉडिफाइड किया, उसकी छत बनाई है, उसका शीशा बनाया और सारा कुछ बनाया, जिस पर इनका 50 से 60 हजार रुपए खर्च आ चुका है। तो ये क्योंकि सेकेंड हैंड है, ये आपको 1.5 लाख रुपए में छत समेत ये आपको मिलने वाली है। मजीद अगर कोई बनवाना चाहेगा ये उसको बना के, बारिश में जो भी हो जितनी भी हो इसमें सफर किया है कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसकी जो खास बात है वो ये है कि अगर दोनों टांगों से खुदा न खासा कोई माजूर है, वो बाइक नहीं चला सकते, कोई चीज नहीं चला सकते, तो वो एक हाथ से ही चला सकता, उसका सिर्फ दायां हाथ जो है ठीक होना चाहिए, बाकी कुछ भी ना हो, वो जो है सफर कर सकता है और इस गाड़ी के जरिए अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई अपनी फैमिली के लिए लेना चाहता है, अगर अपनी फैमिली के लिए लेना चाहता है तो वो अपनी फैमिली के लिए भी ले सकता है। तो इसका किक सिस्टम नहीं है, ये सेल्फ स्टार्ट है और सारा कुछ इसका आप देख सकते हैं। इसकी हाँ ब्रेक हाथ में, अच्छा उसी हाथ में है, उसी हाथ में, अच्छा उसी हाथ में ब्रेक भी इसकी मौजूद है, गियर भी नहीं है, पिछले ब्रेक दूसरे हाथ में है, क्लच साइड वाले पे ना। अच्छा, क्लच इसका नहीं है, रेस इसकी है। कोई अगर वैसे ही लेना चाहता है, माजूर नहीं है, वैसे ही वो चाहता है कि अपनी फैमिली के लिए छोटी सी गाड़ी ले लूं, गरीब बनना है, छोटी सी गाड़ी लेना चाहता है, तो वो ये लेकर जो है अपनी फैमिली के लिए रख सकता है। अगर बारिश होती है, धूप होती है, बारिश धूप में ये इस पे तीन बंदे आ जाते हैं, तीन बंदे आ जाते हैं, छोटे ज्यादा आ जाते हैं, छोटे बच्चे तो ज्यादा आ जाते हैं। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे आपको, हमने मुकम्मल इस गाड़ी का रिव्यू करा दिया है, इसके कागजात भी मौजूद है, कागजात माजूर वाली बिल्कुल नहीं होते, गाड़ी की होते नहीं होते, ये माजूर वाली जो है ना बाइक, इसके कागज नहीं होते, कोई नंबर नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अच्छा, माजूर वाली जो गाड़ी है इनके मुताबिक उसकी ना रजिस्ट्रेशन होती है ना उसका कोई नंबर होता है, ये शायद हुकूमत की तरफ से किसी से नहीं, किसी ने नहीं पूछा। अच्छा अच्छा जी, पार्किंग में भी पैसे नहीं। अच्छा, तो ये जो गाड़ी है, मजीद आप इनसे अगर कागजात के हवाले से ये मजीद मालूमात लेना चाहते हैं आप इनसे ले सकेंगे। ये गाड़ी है, हमने आपको रिव्यू करा दिया, आगे आपकी मर्जी, आपने खुद देखभाल करके इनसे खरीदनी है, हमारा काम है वीडियो आप तक पहुंचाना। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, कीमत 1.5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है, आपको 1.5 लाख में मिलेगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, आखिर में नंबर आने वाला है, नंबर जरूर देखिएगा और इनसे रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।